काफी पेशेंट्स आजकल हमारी ओपीडी में आते हैं और कंप्लेनिंग ऑफ जनरलाइज्ड बोनी पेन्स, यू नो आप पेशेंट आएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को कहीं पे भी मैं छूता हूँ या छूती हूँ मेरे को पेन होता है, तो इस कंडीशन को जनरली हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेरा, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ एट अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली। अब ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ये समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि बोन के क्या पार्ट्स होते हैं। तो हमारे बोन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। अब बोन बिल्कुल सॉलिड नहीं होती, इसमें जनरली पॉकेट्स होती हैं, मल्टीपल पॉकेट्स विच आर वेरी स्मॉल। दिस गिव्स स्ट्रेंथ टू द बोन एंड ऑल्सो कीप्स द बोन स्लाइटली लाइट। जैसे जैसे हमारी बोन जो है वीक होती है तो ये पॉकेट्स आपस में मिलती हैं और ये बड़ी हो जाती हैं एंड यू गेट बिगर स्पेसेस विच आर देयर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बोन का कम हो जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाती है एंड दैट कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। नाउ बोन सेल्स जो होती हैं ये बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ऑस्टियोसाइट्स जो कि हमारी बोन सेल है। अब ये किस चीज़ से बनती हैं, ये बनती हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करता है। अब जैसे जैसे ये बोन सेल ओल्ड होती है या आपको डेली एक्टिविटी में कभी चोट लगती है, सो इन बोन सेल्स का डिग्रेडेशन होता है और ये डिग्रेडेशन और ये बोन सेल्स को फिर हटाना मतलब उनका रिजॉर्प्शन जो करती है वो करती है ऑस्टियोब्लास्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक एक्टिविटी जो हो रही है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, इन तीन का एक साइकिल बन जाता है एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन बोन हेल्थ। नाउ हाउ वुड यू कम टू नो दैट यू हैव ऑस्टियोपोरोसिस और व्हेन शुड यू स्टार्ट सस्पेक्टिंग? द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज पेन। ओके, सर आपको पेन होएगा, जैसे मैं अभी बैठा हूँ इस टेबल के ऊपर हाथ रख के, तो मेरे जो ऑलिट्रॉन प्रोसेस है एल्बो, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा, शिन ऑफ द टीबिया पे पेन होएगा, ऑल बोनी प्रोमिनेंसेस दे स्टार्ट हर्टिंग, वो आर मोर ससेप्टेबल। नाउ लाइफस्टाइल की वजह से होता है, एज की वजह से होता है एंड जेंडर में। ओके, सो जेंडर की बात करें तो फीमेल्स जनरली आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, बट दैट इज द आफ्टर द एज ऑफ 45 or 50। एक बार जब मेनोपॉज होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और एक नेचुरल प्रोटेक्शन जो लेडीज को होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। नाउ सेकेंड इज द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या आएगा, लाइफस्टाइल में स्मोकर्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। वाई? बिकॉज टोबैको की वजह से ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज बोन फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगी, आपका नंबर ऑफ बोन सेल्स कम हो जाएंगे और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड, पीपल हु ड्रिंक दे हैव हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वो कम हो जाती है। थर्ड, पीपल हु हैव वेरी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स। सो हमारी बॉडी, यू नो व्हाट इट डज, अगर आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते, बॉडी को लगता है आपको उसकी ज़रूरत नहीं है एंड धीरे धीरे बॉडी उस चीज़ को आपके शरीर में से हटाने की कोशिश करती है। तो सिमिलरली अगर आप काम कम करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी मसल्स हैं वो फैट सेल्स में चेंज होनी शुरू हो जाती हैं और बोन्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। पीपल आर ओबीस, पीपल हैव सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स, दे आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। देन और यू नो सर्टन पीपल हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स या हु स्टे इंडोर्स, सो उनमें क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं एंड दैट ऑल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। सो ये कुछ लाइफ स्टाइल्स हो गए जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन वी हैव एज। नाउ यू नो एज, जैसे मैंने बोला फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो सिमिलरली फॉर मेल्स, एज वी एज आवर बोन्स टेंड्स टू बिकम वीक और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। एंड फाइनली कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड डेफिशिएंसीज, इनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो गए व्हाट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। प्रेजेंटेशन में जैसे मैंने आपको बोला था पेन्स होंगे, पॉइंट मैंने वहाँ पे नहीं बताया इज बैक पेन। कई बार पेशेंट्स जनरलाइज्ड बैक पेन के साथ आते हैं, ज़्यादा देर थोड़ी देर बैठे या ज़्यादा देर खड़े हो गए या थोड़ी देर चल लिए तो बैक पेन होना शुरू हो जाता है, तो अगेन ऑस्टियोपोरोसिस शुड बी रूल्ड आउट। अब ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट वी डू एन एक्सरे। एक्सरे में हमको बोन जो होती है वो उसका रिफ्रैक्शन दिखता है, बोन पतली दिखती है एंड देन व्हाट वी द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ डेक्सा स्कैन। एक डेक्सा स्कैन कराएंगे
अब डेक्सा स्कैन में हमको दो स्कोर मिलते हैं, डेक्सा स्कैन में एक टी स्कोर मिलता है और एक फ्रिस्क स्कोर मिलता है। दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। टी स्कोर बेसिकली हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का स्कोर होता है। ये क्या होता है कि एक एज रिलेटेड जो डेक्सा होता है उसमें जैसे इट्स लाइक एन एक्सरे, तो एक्सरे की जो रेज होती है वो बोन के थ्रू पार होती है एंड कितनी रेज पार हो पा रही है उसके बेसिस पे एक टी स्कोर होता है और देयर इज अ स्टैंडर्डाइज स्कोर फॉर एवरी बोन फॉर एवरी एज। अब उस स्टैंडर्डाइज स्कोर के अगेंस्ट आपका जो स्कोर है उसको कंपेयर करके एक टी स्कोर दिया जाता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस दो फॉर्म में होता है, ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया इज अ माइल्डर फॉर्म, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मोस्ट सीवियर फॉर्म। सो जब आपका स्कोर -1 से लेके -2.5 के बीच में होता है तो यू आर कॉल्ड ऑस्टियोपेनिक। जब आपका स्कोर -2.5 के नीचे होता है, ओके, -2.5, -2.3, -3.5, सो दैट इज ऑस्टियोपोरोटिक। -1 के ऊपर वी कंसिडर दैट टू बी नॉर्मल। ओके, नाउ ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू योर टी स्कोर। ओके, ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बताता हूँ। अब फ्रिस्क स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिस्क स्कोर स्टैंड्स फॉर फ्रैक्चर रिस्क स्कोर। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑस्टियोपोरोसिस? द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑस्टियोपोरोसिस इज कि आप फ्रैक्चर्स डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन फ्रैक्चर्स? कोई भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, ट्रिवियल फॉल होगी, स्पाइन फ्रैक्चर होने के बड़े चांसेस होते हैं, हिप फ्रैक्चर्स होने के बड़े चांसेस होते हैं। इनफैक्ट पेशेंट्स जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें स्पाइन फ्रैक्चर्स अपने आप हो जाते हैं। मरीज बैठा होएगा अपने बॉडी के वेट में ही स्पाइन कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने की पिक्चर्स में कंसर्टिना बजाते थे ना, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो वो बोन बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी एंड पेशेंट कम्स टू मी विद एन एक्यूट पेन एंड वी टेल द पेशेंट दैट यू हैव एन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर एंड मेनी टाइम्स यू हैव टू ऑपरेट दिस। जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं, अगेन सो मेनी पेशेंट्स आर कमिंग टू मी, एल्डरली पेशेंट्स विद ट्रिवियल फॉल्स, यू नो, बेड के साइड से नीचे गिर गए और हिप फ्रैक्चर हो गया। अब दीज पेशेंट्स, नाउ द प्रॉब्लम इज हिप फ्रैक्चर्स में मोर्टैलिटी इज द हाईएस्ट फॉर एल्डर पेशेंट्स। सो इट इज, अगर मैं मोर्टैलिटी क्या होता है, डेथ रेट्स। सो देयर इज अ वेरी हाई मोर्टैलिटी रेट फॉर एल्डरली पेशेंट्स विद हिप फ्रैक्चर्स। सो हिप फ्रैक्चर्स एल्डरली पेशेंट्स में सबसे ज्यादा कॉमन कॉज इज ऑस्टियोपोरोसिस। सो ये फ्रिस्क स्कोर जो मैं बता रहा था, ये फ्रिस्क स्कोर बेसिकली फ्रैक्चर रिस्क स्कोर होता है, जो आपके एज के हिसाब से व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल डेवलप अ फ्रैक्चर विद अ ट्रिवियल फॉल, ये आपको बताता है। सो द लोअर द फ्रिस्क स्कोर द बेटर इट इज, द हायर द फ्रिस्क स्कोर द वर्स इट इज। ओके, नाउ वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, इट डिपेंड्स। वी गिव एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आती हैं बिसफॉस्फोनेट्स, जो कि हम हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या साल में एक बार दे सकते हैं। इनको ओरली दे सकते हैं, हम इनको IV मेडिसिन के तौर पर दे सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम इंटेक आपको अपना अच्छा रखना चाहिए। कैल्शियम के आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लीजिए, डाइटरी कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, मखाने, ये सब डाइट में बढ़ाइए। विटामिन डी शुड बी गुड, यू नो, विटामिन डी लेवल्स अपने ठीक रखिए। वी हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, प्लीज वॉच दैट वीडियो, यू बी एबल टू सी विच ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। एंड सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वी हैव टू गिव स्पेसिफिक मेडिकेशंस, जो कि इंजेक्टेबल्स के फॉर्म्स में आती हैं। ये कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो कि हम महीने में डेली रखते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शंस, एंड कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो 6-6 महीने में लगते हैं। ऑफकोर्स आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू आउट। सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको समझ में आया। Why it is important, ये आपको समझ में आया, उससे क्या complications हो सकती हैं, ये आपको समझ में आया। And अगर ऐसा ही कोई और topic आप लोग discuss करना चाहते हैं तो do let me know and I'll try to take that up in the next video. Thank you. धन्यवाद। For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.